अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 दिसंबर को पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। वो यहाँ सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में नेशनल वुमेन कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। समारोह में सूबे के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी और SP कल्याण मल मीणा समेत जिले के आलाधिकारी तैयारियों का बारीकी से लगातार जायजा ले रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ब्रह्म कुमारी संस्थान के BK कोमल से बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिरोही दौरे पर रहेंगे, जहां वह आबू रोड कस्बे में स्थित ब्रह्मा कुमारी के संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वक्त मैं उस स्थान पर जहां पर कार्यक्रम आयोजित है, मेरा ठीक पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहां पर जो VIP मूवमेंट को लेकर के जो तैयारियाँ की गई हैं, उन तैयारियों को यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है उसको सुंदर तरीके से सजाया गया है, ताकि आने वाले जो अतिथि है उनको एक शांति का अनुभव हो। इसी को लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संस्था के PR कोमल जी। कोमल जी, किस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम है? महिला सशक्तिकरण से एक अच्छे समाज का निर्माण विषय पर ये नेशनल वुमेन कन्वेंशन है और उसका माननीय राष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे। और इससे समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है और जो तमाम तरह की जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, तमाम तरह के जो प्रताड़नाएँ बढ़ रही हैं, अभी जो हैदराबाद में हुआ, वो सब घटनाओं के मद्देनज़र ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है।